अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये समझे आप लोग कि हमारी ये फर्स्ट पिकनिक है 2023 की। तो नहीं जाते हम लोग पिकनिक पर। आप लोगों ने सोचा होगा कि लोग इतना घूम रहे हैं, जाके वाटर पार्क जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं घूमने, लेकिन हम लोग नहीं जाते आयजा की वजह से। बच्ची है, तंग करती है। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, माँ बाप को स्पेशली। तो इसलिए आज आयजा की फूफो आई हुई थी, उनकी बर्थडे है, तो बर्थडे मनाने जा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं, गाड़ी भी आ चुकी है हमारी। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग चलते हैं सीवीओ। पहले हम लोग जाएंगे सीवीओ, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग दोतरिया होटल पे डिनर करेंगे और वहां पर ही बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जाना है पानी पर। आयजा का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा समंदर का, वो फर्स्ट टाइम देखेगी समंदर। अच्छा, मतलब मैं मुझे 2 से 3 साल हो चुके हैं सीवीओ गए हुए, आयजा तो गई नहीं है। आयजा फर्स्ट टाइम जाएगी। अब मुझे उसका रिएक्शन देखना है कि वो पानी से डरेगी या उसको मजा आएगा, खुश होगी। तो मुझे कुछ भी नहीं पता, तंग करेगी, कुछ नहीं पता मुझे। तो चलते हैं सीवीओ, लोगों से फिर सीवीओ पर जाकर मिलते हैं। 2 hours later फाइनली सीवीओ पहुंच चुके हैं। बस अभी जा रहे हैं हम अंदर। आयजा बहुत दूर है, चलना पड़ेगा बहुत ज्यादा। इतना पीछे चल गया है पानी और चल चल के हम थक गए हैं। अभी तक हम पानी की तरफ ही नहीं गए, अभी से थक गए हम। और आगे तो मुझे इतनी गंदगी लग रही है ना, बहुत गंदगी करी हुई है यार लोगों ने। हम यहाँ पर आए हैं 3 साल बाद और 3 साल बाद देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो गई है यहाँ पर। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आयजा बड़ी खुश हो रही है, क्या है मुझे पानी में जाना है। तो अब देखते हैं ये पानी से डरती है या नहीं। वैसे हम तो नहीं जाएंगे आगे पानी में, मुझे भी डर लगता है, इनको भी डर लगता है, तो शायद ना जाए हम पानी में, देखते हैं फिलहाल। ये देखे ज़रा कितनी सारी यहाँ पर सीपियाँ पड़ी हुई हैं। मैं तो कह रही हूँ उठा लेते हैं, वैसे ही मुझे इतना आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, तो कुछ ना कुछ बना ही लेंगे इसका, है क्या कहते हैं। ये देखो पूरा समंदर भरा हुआ है यहाँ पर सीपियों से, सारी सीपियाँ। वो देखें आगे भी हैं, उधर भी हैं, सब जगह है। आयजा मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रही हो? बताए ना, हम साफ सुथरी जगह पर आ चुके हैं। आगे तो बहुत गंदगी हो रही थी, देखे सब दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सारी ना गंदगी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है ना, है ना, मुंह पे पड़ रही है, बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा। आए सब इंजॉय कर रही हैं। और हमने ना बहुत सारी सिप्पियाँ ले ली हैं जो हमारे काम की थी, घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। समंदर के पास आ चुके हैं और ये लहरें हमारे पास आ रही हैं। बस हम बहुत दूर खड़े हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि हमें ना अभी होटल भी जाना है, कपड़े गंदे ना हो जाए, हम रखकर नहीं लाए दूसरे, तो इसीलिए हम दूर खड़े हैं, बस दूर से नज़ारा कर रहे हैं समंदर का। बहुत ठंडा पानी है और मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये चेक करो ज़रा इसकी हरकतें, ये सारे इसने कपड़े गंदे कर लिए अपने, बदतमीज़। सब गंदे कर लिए आपने कपड़े? नहीं, साफ नहीं करो, ये चेंज हो जाएंगे कपड़े, इसलिए मैं आपका एक्स्ट्रा सूट रख के लेके आई थी। छप छप करे जा रही है पानी के अंदर, बदतमीज है। टाइम पता नहीं, देख के बता। खेलो आप पानी से, खेलो, मजा आ रहा है। हॉर्स देख रहा है आपको, आप शैतानी कर रही हो, हॉर्स देख रहा है आपको। कपड़ों का हाल देखो जरा, इसने क्या किया, और अब्बा के कपड़े भी खराब करे सारे, बदतमीज ने। हस्बैंड ऊपर चढ़ गए हैं और वहां जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। अजान तो हो चुकी है कब की, तो इस वजह से हस्बैंड ने कहा मैं नमाज पढ़ लूँ, वहां पर सब पढ़ रहे थे नमाज, तो इसलिए वो जा रहे हैं नमाज पढ़ने। हवा चल रही है बहुत और यहाँ पत्थर भी है। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, उधर ही आ रही हूँ।
बहुत रो रही है। सी व्यू से हम लोग फ्री हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं दो दरिया पे होटल में, वहाँ पर हम लोग करेंगे डिनर, फिर जाएंगे घर पर। अभी चलते हैं हम लोग वहाँ दो दरिया, वहाँ पर जाके आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. बाय बाय सी व्यू, अब पता नहीं कब आना हो, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह समंदर से। अभी बाय बाय करते हैं हम सी व्यू को और चलते हैं हम दो दरिया पे। सही है, सूरज की रोशनी देखिए कैसे पड़ रही है, अलग से ही पता चल रहा है समंदर में। बाकी कहीं भी रोशनी नहीं पड़ रही, सिर्फ वहीं रोशनी पड़ी है। ऐसा लग रहा है वो जादू का सीन नहीं होता, वो वाला सीन लग रहा है यहाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो किस तरह से पानी निकल रहा है, वाव कितना प्यारा लग रहा है। फाइनली घर पर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने के बाद हमें इतना गुस्सा आ रहा है, अभी हम दोबारा से यहाँ खाना खा रहे हैं, मतलब हाँ अभी ही खा रहे हैं। हमने होटल में खाना नहीं खाया, 6 घंटे से हम भूखे प्यासे, सिर्फ हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, दोपहर का खाना तक नहीं खाया था हमने, और सब चीजें रख कर लेकर गए थे कि समंदर में जाके वहां पर खाएंगे। समंदर में भी जाके इन्होंने अपना तमाशा दिखा दिया, वहाँ सारे कपड़े गंदे कर दिए, अपने अब्बा के भी और अपने भी। फिर जो है वहाँ समंदर से निकले, गाड़ी में जाके कपड़े चेंज करवाए हैं और फिर गए हैं हम लोग होटल। होटल में जाके जो इन्होंने हमने तमाशा दिखाया है अपना, वाह 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 क्या तमाशा दिखाया है। और फिर हम भूखे प्यासे घर पर आ चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 10:15, देख सकते हैं आप लोग 10:15 हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल 12 बज रहे हैं हमारे मुँह पे और भूख से बुरा हाल, बस खा रहे हैं अभी थोड़ा बहुत जो भी खाया जा रहा है। भूख मर गई है क्योंकि यार जब भूख लग रही होती है ना उस टाइम पे बंदा ना खाए तो फिर भूख ही मर जाती है, तो बस बेदिली से खा रहे हैं जैसा भी खाया जा रहा है। भाई ऐसे कि भूपो ने कहा था तो इसलिए हम लोग चले गए थे, वरना मेरा दिल नहीं था जाने का, मेरी वैसे ही सुबह से तबीयत खराब थी, बीपी लो हो रहा था बहुत, तो इस वजह से मैं चली गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो आती है इतनी दूर से चले जाओ, और इन्होंने बस हमारा दिमाग खराब कर दिया। अभी नीचे से इनको दिखाऊं, ये खड़ी हो ना, खड़ी हो ना, खड़ी हो ना, एक फिल्म दिखाती हूँ, खरे कपड़े पहने खड़े हो, ये देखो इनके कपड़े। पता ही है ना वो होटल से ही बिना उसके आ रही है, ये पैंपर बने हुए आ रही है, बस ये इतनी बदतमीज है ये, इसने इतना तंग किया है ना हमें, पैंपर चेंज करो पैंपर चेंज करो। जब पैंपर चेंज करने लगी तो पता लगा कि पैंपर तो बिल्कुल साफ है, कुछ भी नहीं किया हुआ, और कह रही है बस पैंपर चेंज करो, मेरा पैंपर चेंज भी कर दिया फिर भी इनको प्रॉब्लम हो रही, नीचे पजामा नहीं पहन रही, पूरे रास्ते ये ऐसी आई है बस। The next day.
अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। कल व्लॉग एंड नहीं किया था, बहुत थक गए थे और आयजा भी तंग कर रही थी, बस उसको सोना था। असल में बच्चों का ये होता है कि बस थोड़ी देर ही वो लोग इंजॉय कर पाते हैं, फिर उसके बाद थक जाते हैं। जिन बच्चों को घर की आदत होती है ना अकेले की, तो फिर वो इंजॉय नहीं कर पाते, बस थोड़ी देर उन्होंने इंजॉय करना होता है, फिर उसके बाद कहते हैं थक गए बस घर चलो। आयजा का भी यही हिसाब था, कहने लगी बस मैं थक गई हूँ अब घर चलो। तो बस जल्दी जल्दी से खाना खाया है थोड़ा बहुत वहां पर, फिर घर आकर खाना खाया था हम लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं कि क्या नाम है, हमारे बच्चों ने तो तंग नहीं किया इतना और तुम्हारी बच्चे तंग कर रहे हैं। भाई पहले के बच्चे इतना तंग नहीं करते थे, हम भी नहीं करते थे अपने माँ बाप को इतना तंग। अम्मी मुझे बताती हैं, मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि जो है तुम तो सोती रहती थी सारा दिन, तुम्हें उठा उठा के दूध पिलाना और तुम्हें उठा उठा के खाना खिलाना कि भाई खाना खा लो दूध पी लो। भाई पहले के बच्चे ऐसी थे कि नहीं तंग करते थे अपने माँ बाप को। आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही फंटर बच्चे पैदा हो रहे हैं, माँ बाप को तंग करने वाले पैदा हो रहे हैं बच्चे, तो इसलिए तंग करते हैं ज्यादा। और कुछ लाड प्यार में इनके अब्बा ने, आयजा के अब्बा ने, आयजा के पापा ने बिगाड़ रखा है आयजा को। बस जो आयजा ने कहना है और वो पूरा करना है, तो ऐसे बच्चे थोड़ा बिगड़ जाते हैं। लाड प्यार करो वो अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा सा डांट में भी रखो बच्चों को, वरना ऐसे ना फिर कहते हैं पापा हमारे पूरी कर रहे हैं सब चीजें, जो चीज मैं कह रही हूँ ला के दे रहे हैं, तो हम फिर उनको रो रो कर दिखाएं तो फौरन हमारी वो चीजें पूरी हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं थोड़ा डांट में रखती हूँ तो मुझसे कंट्रोल में रहती है। सारा दिन मैं अकेले रहती हूँ घर में तो मुझे तंग नहीं करती कुछ, कोई चीज नहीं कहती लाने के लिए, कोई चीज नहीं कहती मुझे ये ला के दो वो ला के दो, यहाँ जाना है वहां जाना है, बस अपने पापा को ही तंग करती है। जब भी आते हैं वो ऑफिस से पीछे लग जाती है कि मुझे बाहर जाना है। घूम कर आ चुके हैं और बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गई। मैंने गिफ्ट दिया था, बस थोड़ी सी वीडियो बनी थी, वो मैंने नहीं बनाई थी, हस्बैंड ने बनाई थी, तो आप लोगों ने देख ली होगी वो भी। आयजा ने भी इंजॉय किया था सिर्फ समंदर तक, बाकी जब होटल में गई तो उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। तो चले मैं इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thank you.